नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिला मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय। नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही है, मूर्खो नहीं ददात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया। अर्थ समझ में आ रहा है? अगेन, मूर्खो नहीं ददात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया। मूर्ख जीव वे होते हैं जो ये सोचते हैं, मैं यदि दान देता रहूंगा तो एक दिन तो सब खाली हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी। जितना बच सके उतने बचाते रहना चाहिए। प्राज्ञस्तु वितरात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया, गजब का ये श्लोक है। और ज्ञानी ये विचार करता है, अज्ञानी क्या विचार करता है? दरिद्रता कभी भी आ सकती है, फिर सुख में दुख में ये धन ही काम आता है, इसलिए धन की रक्षा बनाए रखो। और ज्ञानी यह विचार करता है दरिद्रता कभी भी आ सकती है। विचारने का ढंग, दरिद्रता कभी भी आ सकती है सोचकर संचय भी हो सकता है, दरिद्रता कभी भी आ सकती है सोचकर उसका व्यय भी हो सकता है। आज हमारे हाथ में है, कल दरिद्रता आने पर कल क्या दिया जा सकता है? आज हम कर सकते हैं तो आज हमको करना चाहिए। वैसे हमारी बात दो तीन दिन पहले दो परी के स्वाध्याय में चल रही थी, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय हम कर रहे थे। शायद मैंने यहाँ पर भी कभी कही ही होगी ये बात, आठवीं प्रतिमा की चर्चा चल रही है, आरंभ त्याग प्रतिमा। उस प्रतिमा का स्वरूप यह बताया जा रहा है, घर गृहस्थी में रहता हुआ जीव अपनी पत्नी से अहर्निश ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ जीव फिर ये विचार करता है व्यापार धंधा नौकरी इसका भी क्या प्रयोजन रहा, इन सबको वाइंड अप करता है, मोटा मोटा अंदाज ले लेता है, मेरे पास इतने रुपए हैं, भोगने वाले इतने सदस्य हैं घर के, और गृहस्थावस्था में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी तो बनती ही है, तो ठीक है चार के हिसाब से इनको इतना निकल जाएगा काम, आगे सब बंद कर देता है, निवृत्ति लेकर अध्ययन करता है। प्रश्न आया टीकाओं में, यदि चोरी हो जाए तो क्या करता है? बहुत अपीलिंग विषय रहा है ये मुझे, वो जबरदस्त चर्चा ही है। क्या शंका पूछी वैभव जी? क्या चर्चा क्या? जो धन बचाया था उसने, हाँ, अब वो चोरी हो जाए, चोरी हो गया, उसी के बल पर उसी के भरोसे तो निवृत्ति ले रहा है। इसीलिए सच्ची निवृत्ति का आधार कभी भी व्यवहार की संपत्ति नहीं हुआ करती, परमार्थ संपत्ति ही हुआ करती है। निवृत्ति का आधार बाह्य स्थिति परिस्थितियां कभी भी नहीं हुआ करती, निवृत्ति का सच्चा आधार अपने आत्मस्वरूप का लक्ष्य ही हुआ करता है। अजाची लक्ष्यपति, बनारसीदास जी की भाषा में कहते हुए थोड़ी लक्ष्यपति है, जो लाखों कमाते हैं वे लक्ष्यपति नहीं है, जिनका लक्ष्य निर्धारित हो गया है वे सच्चे लक्ष्यपति है। अजाची लक्ष्यपति कहा, जो मांगते नहीं है वे सच्चे लक्ष्यपति है। मैं कुछ कह रहा था, टीकाओं में प्रश्न आया, यदि सब संपत्ति लूट जाए ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा? वैसे ही किसी को पूछा जाए तो लगभग विकल्प यही बना सकता है वो आदमी, अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर वही कस्टमर मार्केट ढूंढो, फिर वही ओवरहेड्स देखो, वही जितने अपने अधीनस्थ है उनको देखो, सब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या अपडेट रखो, मशीनरी आदि 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 से वही रोज के झगड़े। वहां पर उत्तर ये लिखा आचार्यों ने, वह ऐसा विचार नहीं करता कि मैं और कमाता हूँ और फिर निवृत्ति लेता हूँ, उसको इतना विकल्प जाल दिखता है, वो तो यह सोचता है
मैं कितना मूर्ख था, यह अकल जो मुझे आज आ रही है वो अकल तब आ जाती कि धन कुछ अपने बनाए बनता नहीं है, अपनी रक्षा के भाव से रक्षित भी नहीं होता है, मुझे पहले ही छोड़कर जाना चाहिए था। साधु संतों की वाणी यथार्थ यथार्थ है। मैं हमेशा भामंडल की भी घटना आपको सुनाता हूं, जिसमें पूरी अयोध्या नगरी खाली हो रही है, सभी जन दीक्षित होकर जा रहे हैं, इतना तांडव मचा था सीता के पीछे जो भी कुछ हुआ, फिर रावण के साथ लड़ाई करनी पड़ी, उस विद्याधर के साथ कहां कहां जाना पड़ा। अब जानते हैं ना, मैंने कहा था रावण कहां रहता था, जानते आप रावण कहां का था? हाँ, लंका। एंड वेर इज लंका लोकेटेड? इज इट दैट सो कॉल्ड श्रीलंका? नो, ये ठेठ जम्बू द्वीप को छोड़कर जो लवण समुद्र था, उस लवण समुद्र में कई विषम अंतरद्वीप है। उसमें एक राक्षस नाम का अंतरद्वीप है जो 700 बाय 700 योजन लंबा चौड़ा है। उसमें बीचों बीच एक दुर्भेद्य जो कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा एक पहाड़ है। पचास योजन बाई नव योजन का, और उसी के तल में एक लंका है। कहां पर? रावण को भी इसका ज्ञान था और सीता को भी भनक लग ही गई थी। जब सीता को लेके जाया जा रहा था, सीता बहुत अच्छे से जान रही थी इस बात को, यहां पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, क्योंकि जम्बूद्वीप के ठेठ बाहर। और राम के कुछ, राम तो साधारण आदमी था, लेकिन भावनाएं जब बलवान होती है तो राम भी वहां पर खड़ा हो गया, इसका उदाहरण। खैर, मुझे तो अब यह कहना, रामायण में इतना सब हो चुका था, रामचंद्र जी लौट कर भी आए थे अयोध्या नगरी में, और सीता तो दीक्षित होकर कब की चली गई थी, दशरथ भी कब के चले गए थे, भरत भी कब के चले गए थे, और रामचंद्र जी को आज यहां पर आकर फिर ये लगा, एंड फाइनली यही ठीक है कि हम दीक्षित होकर निकल जाए अभी। और सभी राज्य में ऐसी घोषणा हुई, पहले लोगों ने उनको मनाने का प्रयास किया, जब वे नहीं माने तो प्रजाजन ही मान गए बात को, कि जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, आप चले जिस पंत चले भगवंत वही आचरिय, हम भी यही करेंगे। अयोध्या नगरी पूरी खाली हो गई, भामंडल के तो सब चले गए थे, भामंडल की बहन ही थी सीता, और भामंडल को बहुत जनों ने कहा, सब जन जा रहे तुम अकेले क्या करोगे यहाँ पर। उन्होंने कहा, बात तो सही है, करना तो यही है, काम तो यही करने लायक है, इतनी भी क्या जल्दी है, करेंगे करेंगे, अभी तो कोई वैसी उम्र भी नहीं है। और सेम नाइट जब छत पर टहल रहे थे, एक बिजली गिरी और उसी में उनका देहांत हो गया। और सब काफी खूब प्रथमानियों में आप पढ़ेंगे, इसका खूब चित्रांकन किया गया है। एनीवे, मैं कहां तक था? आठवीं प्रतिमा वाले ये सोचता है, ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, तब मैंने बात नहीं मानी संतों की, और सोचकर चला जाता है। अगेन नीति पर आ जाओ, नीति क्या कहती है? नीति ये कहती है, कभी दरिद्रता आएगी ये सोचकर मूर्ख जीव पैसा नहीं निकालता दान के लिए, और ज्ञानी कभी दरिद्रता आएगी सोचकर, आज का समय अपना है, सोचकर जितना लगा सकता है वो लगाता है। और सोमदेव सूरी की वो बात 100% सही भाषित होती है, शायद नीति वाक्यामृतम में लिखते हैं सोमदेव सूरी, वे लिखते हैं, सच्चा लोभी वह जीव है, सच्चे लोभी वे नहीं है, तो 10-20 इकट्ठा करके रख लेते तिजोरी में, सच्चे लोभी वे है तो 10-20 यहां पर खर्च करके अपने साथ आगामी भव में उससे अनंत गुना ले जाते हैं, सच्चे विवेकी और सच्चे लोभी वे है। आप समझे, इस भव में इतना देकर, जो अभी काफी 3 श्लोकों में चर्चा आएगी इस दान की, अन्य अन्य प्रसंगों में भी दान की काफी चर्चा ही है, शायद पद्मनंदी पंचवीं शतिका की वो घटना
सर्वपरिचित है, जिसमें एक कौवे का उदाहरण दिया गया है। एक कौवा भी कोई चीज मिलती है तो सबको बुला बुला कर इकट्ठा करके मिलजुल के बांट के खाते हैं। और हम जैन हैं, हम मानव हैं, हमारा तो पहले फर्ज बनता है। इसलिए देखिए ना, षट कर्मानी दिने दिने में ले लिया, आज व्रत में ले रहे हैं इसको। फिर कभी धर्म की चर्चा चलेगी तो त्याग और अकिंचन के बहाने उसको ले लेंगे। जब सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चलेगी तो स्थितिकरण वात्सल्य के अंतर्गत ले लेंगे। इंदौर में देवकी नंदन जी गए थे एक बार। देवकी नंदन जी एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने फिर बाद में कारंजा को संभाला था। ये देवकी नंदन जी जो बहुत टाइम मुरैना में रहकर गोपालदास जी से पढ़ते रहे थे, पंचाध्याय की टीकाकार, काफी ग्रंथ लिखे उन्होंने, उन्होंने मठ ही संभाला फिर वहां का। तो जब ये गए इंदौर में, इनको किसी ने सभा में पूछा अतिथि संविभाग व्रत का क्या अर्थ होता है, और बहुत गजब का अर्थ उन्होंने ये किया था। अतिथि का तात्पर्य होता है कि कुछ भी एडवर्सिटीज कुछ भी आती है, नेचुरल कैलेमिटीज, नैसर्गिक आपत्तियां आती रहती है, भूकंप आता रहता है, फ्लड आता रहता है, कुछ भी आता रहता है। तो आकस्मिक, जैसे आज महामारी खड़ी है जो भी है, तो ऐसी स्थितियों को सामने रखकर अतिथि संविभाग, अतिथि का अर्थ क्या किया, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपत्तियां, क्योंकि वे भी कहकर नहीं आती। तो अतिथि ऐसे प्राकृतिक आपत्तियों के काल के लिए अभी पैसा बचा कर रखना, और फिर प्रसंग आने पर उस पैसे को आप अनुमान कर सकते हो क्या लिखा उन्होंने, समाज अपने देशवासियों को, परिजन पड़ोसियों में उसका बंटवारा कर देना, यह अतिथि संविभाग व्रत है। ये गृहस्थ के सामाजिक स्तर का उन्होंने लिया था। अपने अपने स्तर पर हमारा लाइफ जीते समय, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल के न्याय से हमारा समाज के प्रति जो दायित्व तो बनता है वो भी हमको अदा करना चाहिए, और जितना हमें कर सकते हैं उतना करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भोगों में जो खर्च होता है उसका फल तो क्या निकलता है, और भूखा तो कोई नहीं मर रहा है। यहाँ पर सोमदेव की और एक सूर्य की और एक नीति याद आ रही है, लिखा है नान्य सहस, क्या लिखा है, वरम उपकृतो जैनो नान्य सहस्त्रशः। इसलिए यदि उपकार करने का अवसर मिलता है, सबसे पहले आपका पात्र एक जैन होना चाहिए, क्योंकि जैनियों को कुछ भी सहयोग करने से, जैनेतर को सहयोग करने की अपेक्षा आपको 1000 गुना फल लगता है, क्योंकि उसके परिणाम मायने रखते हैं। और उस दान के बदले भी, क्योंकि आज तो चलन धन के दान का बन गया है, एनीवे जो भी आज करंट स्टेटस में जो भी है, उसके बदले में हमें उससे कुछ भी लौकिक लाभ नहीं देखना चाहिए। कल काफी बात आ रही थी दातार के गुणों की, हमें यही चाहिए कि तुम इसके बदले में न्याय नीति पूर्वक नौकरी करोगे, व्यापार धंधा करोगे, स्वाध्याय वृत्ति रखोगे, अभक्ष भक्षण नहीं करोगे, ये सब होना चाहिए। प्रकरण में आने के पहले फिर एक चीज तो याद आ ही रही है, नेमी सागर महाराज का एक स्पीच हुआ था जो मेरे पास लिखित रूप में है अभी, ये लगभग 70-80 साल पहले दिल्ली में हुआ वाला स्पीच है। तो उसमें उन्होंने दिल्ली के पब्लिक को अपील की है, ये दिल्ली के भाइयों, ये जितने भी छत्र लगे हैं भगवान के ऊपर, इन समस्त छत्रों को हटाया जाए। इनको हटाकर जो बेबस और लाचार हमारे जैनी भाई है, हु आर स्ट्रगलिंग इवन टू सर्वाइव हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, जैसा भी जिनका लाइफ नहीं है, जिनको चिंता है, उनको ये सब देकर ये पैसा, इसके बदले में उनसे न्याय नीति के व्यापार धंधे का आश्वासन लेना चाहिए। हम ही अपने लोगों को नहीं पूछेंगे तो न धर्मो धार्मिक के बिना ये तो कुल तो नष्ट ही हो जाएगा, जैन कुल। तो हमारे बच्चे कब जैनी के बच्चे के साथ खेलेंगे, और
ये स्थितियां तो नहीं बनेगी। कहा तो स्थितियां थी 25 करोड़ 40 करोड़ थे महावीर के काल में, और आज स्थिति ये है 40 लाख से भी कम है। जय जी, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कल बहुत अच्छा श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें हमने सोले का स्वरूप देखा था, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसुनारंभानाम मार्यानाम इष्यते दानम। सोलह का और एक अर्थ होता है, सोलह फिगर इंडिकेट्स सोलह, इसीलिए तुम्हें ये सब ग्रहण करना चाहिए, ये चीज हमारे जीवन में अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, ये केवल प्रशंसनीय ही नहीं है, हमारे जीवन में भी आने का इसका प्रयास होना चाहिए। आगे के चलो 114वें श्लोक पर आइए सभी, 114। बीच के प्रकरण में कोई आपको इनकन्वीनियंस हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे सब सरल है। एक प्रकरण जरूर चला है टीकाओं में, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र के साथ साथ कुपात्र और अपात्र की भी चर्चा की है, जिसमें यह बताया गया है हु इज कुपात्र, जो बाहर में सब अंगीकार करता है व्रत वगैरह, लेकिन बस सम्यक्त से विहीन है, उसको कुपात्र कहा। अन्य सबको अपात्र दान कहा, और फिर जो गरीबों को जो मैं अभी बात कर रहा था समाजवासियों को देना, वो भी शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध ही होना चाहिए हमारा, वो ऐसा भी कुछ देते हैं तो करुणा दान के दायरे में आता है, वो कोई धर्म का बहुत एजेंडा नहीं हुआ करता, इसलिए वहां पर भक्ति आदि की भी कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती ऐसा। हाँ कहाँ पर पढ़ रहे आप? हाँ हाँ ओहो, मुझे तो लाइन नहीं मिल रही है एक्चुअली। हाँ ये बोल रहे हैं टोडरमल जी ने पांचवें अध्याय में, सॉरी छठवें अध्याय के प्रारंभ में इसका निषेध किया, तिल तिल देते ना। अच्छा यहाँ पर ट्रेंड नहीं है ना, आप लोग इसलिए नहीं समझते, महाराष्ट्र में खूब जम के ट्रेंड है संक्रांति के दिन तिली तिली। हाँ हाँ नहीं तिली अवक्ष नहीं है, बट तुम जो दान की बात करते हो, तिली को जो दान दिया जाता है टोडरमल जी ने लिया मोक्ष मार्ग पर, ये सब गृहित मिथ्यात्व के दायरे में आता है। गृहित मिथ्यात्व तो इसीलिए है क्योंकि वे लोग इसको ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग शुभ अशुभ मानते हैं सब, इसलिए तिली आदि का देना इस प्रसंग को लेकर, प्रसंग को लेकर जिसके दिमाग में ही नहीं है और वैसे दे तो वो कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ऐसा समझिए। कहाँ लिखा है ये लाइन? अच्छा 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 ये मिल गया, बीचों बीच यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं पहले पैराग्राफ में बीच में, करोड़ों त्रय जीवों की उत्पत्ति का कारण ऐसा तिल दान है। ओके, जैसे बरसात का ऋतु चालू हो जाता है तो हमारे यहाँ तिल अग्राह्य बताया गया है, खरे अर्थ में रियली स्पीकिंग हमारे यहाँ तिल तो चार पांच महीना ही उसको भक्ष्य बताया गया है और बाकी शेष का अभक्ष्य बताया गया है, क्योंकि उसमें तिली चीज है इसे उसमें लटे हो जाती है, प्रॉपर कोई उसको अच्छे से रखता है तो बात अलग है, बट यहाँ पर तिली दान की तरफ संकेत किया है तो दान उसी तरफ संकेत है जो मैं कह रहा हूँ, गृहित मिथ्यात्व की तरफ बात आ रही है। वैसे तिली के अभक्ष्य होने की ऋतु के अलावा जीव उत्पत्ति का कारण पीछे कर चुके हैं, ये मूल प्रकरण दान का है, दान का, इसलिए यहाँ पर दान की तरफ से ही विचारना होना चाहिए, तो ऋतु आदि की मुख्यता से करते हैं, ये गृहित मिथ्यात्व के दायरे में चला जाएगा। ठीक है, और भी करते ना ऐसा, बहुत सारी चीजें देते लेते हैं, जैसे संक्रांत आपकी बार इस पर आई है तो वो चीज देते लेते हैं, ऐसा भी करते हैं, ये सब गृहित मिथ्यात्व के दायरे में टोडरमल जी ने भी लिखा है। 114वें श्लोक पर आइए सभी। अब यहां सुपात्र दान का फल कहने वाला श्लोक कहते हैं, वैसे कमिंग तीन श्लोक
ये सब दान की महिमा के है और इनके शैली है। ऐसा करोगे ना तुमको उसके बदले में हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये शैली चरणान्युक्त की हुआ करती है। इसलिए आप सम्यक दर्शन के अंतिम एक 5-6 श्लोक देखिए, 6-7 श्लोक, उसमें आप ये पाएंगे 7-8 श्लोक कि ये जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं वो कैसे कैसे पदों की प्राप्ति करता है। लूला नहीं होता, लंगड़ा नहीं होता आदि आदि, फिर क्या क्या होता है वो जस तेजो विद्या आदि आदि, चक्रवर्ती भी बनता है, फिर ये भी बनता है ऐसा करता हुआ, देव भी बनता है ऐसा करता हुआ, फिर तीन भुवन का नाथ होता है, ऐसी काफी फल की बात की। जब अनुव्रत की चर्चा की वहां पर भी उन्होंने फल की बात की, ऐसा जीव क्या करता है, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, स्वर्ग में जाकर ऐसा जिनेन्द्र का भक्त चिरकाल तक रमण करता है। आज भी दान के प्रकरण होने के बाद उसके फल की बात कर रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्षि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। एक उदाहरण से आगे बढ़ रहे हैं ये, इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है जैसे खून से लथपथ कोई वस्त्र है, उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है, निर्मल जल से। खून से खून का धब्बा साफ थोड़ी हो सकता है, उसको निर्मल जल से ही साफ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दिखा है, रुधिर मलम धावते वारी, वारी मतलब पानी होता है, धावते मतलब धोना होता है, और रुधिर मलम, रुधिर मतलब खून होता है, खून के मैल से युक्त वस्त्र को पानी से, शुद्ध पानी से जिस प्रकार धोया जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्रह कर्मणापि निचितम, जो घर में रहते हुए जिन्होंने गृहस्थी में रहते हुए अनंत पाप जाए हैं, ग्रह कर्मणापि निचितम, निचितम मतलब संचित किए हैं, और गृहस्थी चीज ही ऐसी है, आप सुबह उठे और पाप चालू हो गया। अब कितना भी बचना चाहे, जितना बच सकते हैं उतना तो बचना ही चाहिए, और इसीलिए आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा की क्या परिभाषा बताई है, परिभाषा में प्रारंभ कहां से किया है, नहीं करना चाहता फिर भी हो जाते, इस टर्म्स में पूरी परिभाषा है, आरंभी हिंसा भी है और उद्योगी भी है वो इसी दायरे की, विरोधी हिंसा तो कितनी बार होती होगी। तो घर गृहस्थी में रहते हुए जो पाप संचित होता है ऐसे कर्म, विमार्षि खलु ग्रह विमुक्ता नाम, उस कर्म को धोने के लिए, उस कर्म का परिमार्जन करने के लिए अतिथि नाम प्रति पूजा, तो अतिथियों की पूजा, उनको दान करना चाहिए, जैसे ये उदाहरण दिया। और घर गृहस्थी में रहते हुए खूब पाप होता ही है, इसलिए ये बताया गया है कि चाहिए कि कम से कम कितना परसेंट हमारे यहाँ दान का उल्लेख है, बताइए कोई बोलिए, वेरी गुड, कम से कम 10% की बात है, अभी उत्कृष्ट की तो क्या बात करना था, लेकिन 17% और 25% कहकर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन ऐसे बताए हैं। और एक बात समझना चाहिए, मैं तो अभी ये सोच रहा था, सम्राट चंद्रगुप्त को जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, बहुत अच्छे अच्छी घटनाएं बहुत ही, ये शायद कौन से ग्रंथ में मिलेगी, ये जब सम्राट चंद्रगुप्त वैराग्य हुआ तो विरक्त होते समय पहले तो बहुत विरोध हुआ ट्रेंड के बांधी, फिर सभी मंत्री वगैरह वहां पर आए, अंतिम मुकुटधारी राजा हुए हैं सम्राट चंद्रगुप्त का नाम तिलय पंडिति में आया है कि अंतिम राजा हुए हैं और इसके बाद कोई राजा नहीं होगा, ऐसा उल्लेख था। तो वे निकलते समय फिर सभी ने, सबने इकट्ठा होकर ये कहा, ठीक है आप जा तो रहे हो लेकिन साहब हमारी कोई तजवीज तो करके जाइए, तो अपनी अपनी पर सब उतर आए, तो उन्होंने ठीक है कहा, तो फिर आपको ये ले लीजिए, सब इनको क्या लेना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए, हमको इनको की तो छोड़ो अभी यहां पर, मुझे क्या, तो आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, दे दीजिए। सबको देने के बाद जब मुड़ने
को हुए तो किसी ने एक धीमे स्वर में ये बोला, आपका लड़का तो रह गया, उसके लायक क्या है। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना ही बोला था, इसको इसको बड़े होने के बाद एक शिक्षा देना, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पाप अश्रोस्तोन्य संपदा किम प्रयोजनम। दोनों स्थितियों में संपदा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पुण्य का उदय होने पर आवश्यकता नहीं, और पाप का उदय होने पर कितना भी मिलेगा तो भी तुम्हें टिकेगा ही नहीं तुम्हारे पास। उदाहरण बोलो प्रथमानियों का, प्रथमानियों का उदाहरण बोलो, अब बोलो, बोलेगा बोलेगा कोई, बोलो कितने कितने कितनी करोड़ दिनार का मालिक था धन्य कुमार सेठ के पिता, कितनी हजारों करोड़ दिनार के मालिक, और केवल 9 महीने का फासला पड़ गया, और 9 महीने में इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया। वो सेठ जी मर गए गर्भ में, जैसे अकृत पुण्य आ गया, और वो पैदा होते होते क्या मालूम रास्ते पर पैदा हुआ क्या। अब बुरा नहीं मानना बात को, स्थितियां इतनी बदल चुकी थी। और देखो दूसरी तरफ देखते हम, जो मुनीम था उसका उदय एकदम पलटा खा गया था, जो आज नौकरी करता था वो हो गया था हजारों करोड़ दिनार का मालिक। बेईमानी से नहीं, फर्जी की बात नहीं चल रही है, सहज में उसका योग बन गया था। अब उसको नौकरी की कोई नौकरी और करीबी करीबी किसकी, अभी अभी यहां पर कुछ रहा भी नहीं था। फिर सेठानी ने यह सोचा, आप जानते होंगे कि आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, नौकरी करने की नौबत, कई बर्तन मान सकते कि, लेकिन अब यहां क्या करेंगे अपन, यहां तो हमें कोई नौकरी देगा नहीं एक, और नौकरी देगा तो भी हम करना चाहेंगे क्या उनके बीच में, जिनके बीच में हमारा इतना रुतबा रहा है। निकली फिर वहां से, और निकली सुबह जहां पर पहुंची अकृत पुण्य धन्य कुमार को लेकर, तो वहां पर सुबह सुबह वो मंजन कर रहा था वो मुनीम जो आज बन गया था सेठ, और उसने वो पहचान लिया ये अपने मालकिन है, सेठानी है ये, तो उसको बहुत आदर सम्मान होने के साथ साथ उसके कान तक खबर आ गई थी इनके दरिद्रता की। तो उसने सोचा अभी पहचान देना ठीक नहीं होगा, देखो कितना विवेकी है ये सोचता मैं पहचान दूंगा तब तो पानी पानी हो जाएगी, और वो तो मुझे पहचानेगी ही नहीं। अब समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। इस शील की मर्यादा ही है, और महिलाओं को क्या काम है वहां पर, वो कैसे देखेगी पुरुष को, तो वो कैसे पहचानती, तो वो तो सामने आकर खड़ी हो गई, बोली भैया यहां पर कोई काम मिलेगा, हाँ मिलेगा बोले, तो काम भी उसके माफक दे दिया, तुम क्या बनाओगे रसोई वगैरह, तुम खाओ पियो, तुम्हारे लिए अलग सा क्वार्टर्स दे दिया, सब व्यवस्था दे दी, और कुछ नहीं मेरे इतने बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, उनका भोजन पान की व्यवस्था करना है। स्थितियां इतनी बदलती गई, इतनी बिगड़ती गई, और वो लड़का उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता था, और उनकी फैक्ट्री में काम करता था, दिन भर कर तो कुछ नहीं पाता, तो उसके खून ही नहीं था, इतना गरीब था। तो उसने मुनीम ने बोल दिया अपने मुनीम को, ये कुछ काम करे ना करे, और सबसे 10 गुना इसको देना चाहिए। और जाते समय उसको पगार दी जा रही थी, बोलो पगार में क्या देने के लिए कहा उस सेठ ने, बोले इसको सोने की मुद्राएं दे दी जाए, सोने की मुद्राएं दे रहे हैं उसके हाथ पर, और बोलिए वहां पर अंगारे आ रहे हैं उसके हाथ पर। उसको लगा, वो कह रहे सेठ आप भी हमारे मजाक कर रहे हो, गरीबी चारों तरफ से लगी है और आप भी हमारे मजाक कर रहे हो, और उसको जिस प्रकार से उपकृत करना चाहा वो बात बनी ही नहीं, क्योंकि उसका योग ही नहीं था। देखिए यहाँ पर बात ये चल रही है कि घर गृहस्थी करते समय बहुत पाप उपार्जित करता है जी, और उससे मुक्त होने के लिए उसको शक्ति प्रमाण अतिथि के प्रति पूजा उसको दान निकलना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए आपको कि दान करना प्रायोरिटी पर आ जाए और फिर इसीलिए हम कमाने लग जाए। आचरण के सामने ऐसे भी लोग आने लग गए जो केवल दान देने के लिए कमा रहे हैं, हम नई फैक्ट्री खोल रहे हैं जिसका पूरा पैसा हम डोनेट करेंगे। भैया यदि तुम्हें कुछ डोनेट करना ही है तो आप थोड़ा सा समय यहाँ डोनेट करिए, आप नई फैक्ट्री मत खोलिए। एक श्लोक लिखा इष्टोपदेश में,
दानाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोत्य स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलिंपति। मैं कल दान करूंगा इसलिए मुझे आज कमाना है, ऐसा सोचकर कोई कमाता है तो उसके हालत किसके समान कही है? उस हाथी के समान जो ये सोच रहा है मुझे वैसे भी अभी स्नान करना है इसलिए कीचड़ से लपेट रहा है पहले स्वयं को। इसीलिए दान के लिए पाप का कोई प्रावधान नहीं है। अनायास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो अथवा अभी कोई होगा पुण्य का ऐसा योग जहां पर बरसता ही जा रहा है तो एक्सेप्शनल केस में ऐसी जगह दान करना चाहिए। किमिक चिक दान आदि चक्रवर्ती करता रहता है, उनको कौन सा कमाना जाना पड़ रहा है? नौ निधि चौदह रत्न का मालिक है, सब आता रहता है, साहब ये आ गए, ये पैक आ गए, आपका ये ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर। अरे साहब हमने ऑर्डर किया ही नहीं था, ऑर्डर प्लेस हो गया था पूर्वभूम में और वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये कोई तुम्हारा फ्लिपकार्ट है तो तुम बैक करो और दूसरे दिन चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शस्त्र नहीं जा सकता, ये आपको जो सुदर्शन चक्र आया है वो तो आया ही है, आपको रिसीव ही करना पड़ेगा उसको। खूब कहा है आत्मानुशासन में, तो यहां तक कहा है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है वह न्याय नीति से उत्पन्न होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र होता है, बड़े पानी के स्टोरेज होते हैं, पानी का भंडार होता है, वो पानी अशुद्ध ही हुआ करता है, ऐसा कहकर खूब प्रेरणा करी है, पाप से पैसा कमाने का खूब निषेध किया है। 114वां श्लोक हमारा पूरा हुआ, 115वें श्लोक में आइए। मैं इसको बहुत अच्छी भाषा में बहुत बार कहता हूँ, लिव एंड लेट लिव के साथ साथ जैनियों को लीव एंड लेट लीव का भी प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। और देना ही है यदि दूसरों को, तो दूसरों को कमाने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि हम पैसा देंगे तो उसमें उनका स्वाभिमान हैम्पर हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। हमको देना है तो उनको काफी, नाउ इट्स योर टर्न, हमारा हो चुका, जितना आवश्यकता थी हम कमा चुके, अब जिनको आवश्यकता वो करते रहे। एक बहुत उदार रीति नीति होना चाहिए। 115वां श्लोक, अब दान का विशेष फल कहने वाला श्लोक कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोग दानादुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपे निदिशु। प्रणते के बाद भोगी ही लिखा है सबके, अपने भोगो लिखा है किसी के इसमें नहीं, चलो ठीक है भोगी ही है, ठीक है। क्या लिखा है आपके इसमें संकेत? भोगो, देन दैट शुड बी राइट। इसलिए मैं थोड़ा रुक गया क्योंकि आप भोगी लिखा है और इट साउंडेड सम अनफेमिलियर टू मी, मुझे लगा यहाँ पर भोगो। चलिए फिर से पढ़ते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निदिशु। जैसे मैं अभी कह रहा था, फल दिखाने की पद्धति ये चरणानियोग की ही है, द्रव्यानियोग में धुतकारा जाता है। जो कोई फल के पीछे भक्ति आदि करता है उनको साफ साफ ये बताया जाता है, ऐसे तो पाप बंद होगा। ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है, ये निकांक्षित गुण पर लगाई हुई चौकड़ी है, सम्यक तो नहीं होगा, ऐसा भी कहा जाता है, अपेक्षाकृत कथन चलते रहते। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, हमने पहला एक श्लोक पढ़ा था इसके पूर्व का, तो मुनिराज को हम क्या क्या कर सकते की बात थी, अब उसी के रूप में हम जो एक एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा। जैसे वन प्रणते, मुनिराज को प्रणाम करने के फल में आपको उच्च गोत्र मिलेगा, एक गजब हो गया है। आगे दानात, और दान जो आपने दिया उसका अलग सा हिसाब बन गया है, उसके बदले में सॉरी प्रणाम के बदले में आपको उच्च गोत्र मिलेगा। आपने प्रणाम किया उसके बदले में आपको, मैंने क्या बोला था वैसे पहले, यही बोला था, ओके ओके
के दें। दान करेंगे तो उसके फल में आपको भोगों के साधन ऐसी भोग भी मिलेगी। दो कार्य फल दो, तीन। उपासना करोगे तो पूजा मिलेगी। सीधी बात यह है, यदि आप आदर सम्मान करोगे तो आपको भी आदर सम्मान मिलेगा। तो इस हाथ ले इस हाथ दे की रीति नीति है। और थोड़े दिन पहले हमने याद कराया किया था इस बात को, यदि दान नहीं दे सकते तो अनुमोदना देना चाहिए, जैसे नेवला बंदर सुअर और शेर नहीं करते हुए भी केवल अनुमोदना ही दी थी और बराबरी से आहार दाता के बराबरी से सबका उद्भव भोग भूमि में हुआ था। यहां तक कि जब ये अधिनाथ बने तो ये भी उनके राजकुमार बने थे, पुत्र, ये समझना चाहिए। तीन, उपासना पूजा। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से क्या होता है? सुंदर रूप होता है। क्या क्या बात कर रही है? मतलब जो लोग आजमा रहे हैं बाहर की चीजें, बहुत अच्छा एक छंद आया मुझे, शायद याद आ जाए, मैं हमेशा कहता हूँ इसको, ये विशापहर स्तोत्र है। विशापहर स्तोत्र ही होना चाहिए क्या? धनंजय कवि का विशापहर स्तोत्र है ये, ओके, विशापहर स्तोत्र। उन्होंने एक छंद में लिखा है, विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायन च ब्राह्म्यन्त्यो होनात्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। गजब का छंद है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि लोग मंत्र के पीछे, तंत्र के पीछे, रसायन के पीछे, अमुक जड़ी बूटी के पीछे घूमते हैं, लेकिन वे इस बात को तो नहीं समझते, ये सब आप ही के भक्ति के पर्याय वाची है। जिन जीवों को अपने कार्य की सिद्धि करनी है, वे यह वह क्यों मंडराते समझ में नहीं आता, वे आपके द्वार पर भक्ति करने के लिए क्यों नहीं आते? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। और ऐसा लिखा धवल में भी, पाप संघात कुंजरम, ऐसा लिखा पापों के पहाड़, पाप रूपी हाथी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं भगवान केवल आपकी स्तुति से। स्तूय माने जिनेश्वरे विषम निर्विशताम यान्ति आदि आदि। इसमें क्या आश्चर्य? शाकिनी भूत पन्नगा में क्या रखा रहा था? व्हाट इज पन्नगा? व्हाट इज पन्नगा? आपको चाहिए, आप क्वांटिटी को गौन करके आप क्वालिटी का, क्वालिटी पर इंसिस्ट करना चाहिए आपको। खास तौर पर हम पढ़े लिखों का यही काम होना चाहिए। पन्नगा सर्प को कहते हैं, सर्प को, एक विशिष्ट भुजंग को। तो ये सब शांत होते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप होता है। और प्रथमान योग इसका गवाह है कि अभक्ति करने से, बोलिए, कितना विद्रूप हो गया शरीर, विशल्या थी, विशल्या का सब जानते हैं, कैसी पवित्रता हो गई उसकी और अपवित्रता का भी, दोनों फेजेस भोगे हैं इसने। स्तवनात कीर्ति स्तपोनिधिषु, और यदि स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं तपोनिधि की, मुनिराज की, तो उसके फल में हमें हमारी कीर्ति होती है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। एज यू सो सो यू रीप। आगे 116वां श्लोक पर आइए। ये तीनों श्लोक एक ही लाइन के हैं, स्क्रिप्ट एक है, सब एक है, थोड़ा उदाहरण फिर एक नया आएगा। देखिए, क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले छाया विभवम शरीर भ्रताम। और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, ये उदाहरण बनारसी दास जी ने भी दिया है और गजब का उदाहरण है। ये वट वृक्ष होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। वट वृक्ष लगभग ये कई स्कूल्स वगैरह का एक एम्ब्लेम सिंबल हुआ करता है। आप लोगों ने गौर किया इसको? किया?
उसका क्या रहस्य है कोई बताएगा? बेनियन ट्री को क्यों दिखाया जाता है, किस अर्थ में दिखाया जाता है कहीं भी? और उसकी जितने बीजे हैं वे सब अपनी जड़ें जमा कर नए पेड़ का रूप धारण करते हैं। बनारसी दास जी ने एक उदाहरण लिया, वॉच क्या दिख रहा है, कि यह एक बीज है, कि नाउ इस आंखें बंद करिए, अभी कल्पना करिए ये बीज बोया गया और इस बीज बोया गया उसमें से तो एक पेड़ निकला, उसके उस पेड़ पर लदे संख्यात असंख्यात, उनकी भाषा में आनंद बीज आ गए। अभी वे एक एक बीज बोए गए, कितने पेड़ आ गए? अनंत। उन पेड़ के एक एक पेड़ के अनंत अनंत, ऐसा विचार करेंगे। यह अनंतता को समझाने के लिए उन्होंने समझाया, एंडलेस, ये चेंज चलता रहता है। यहां पर आज उदाहरण दान के लिए आया है, क्षितिगतमेव वट बीजम, दान करना ऐसा है, किसी को उदार हृदय से देना ऐसा है कि जैसे बीज किसी ने बो दिया हो जमीन में। क्षिति गतम में वट बीजम, क्षिति मीन्स जमीन, गतम मीन्स उसको बोना, गतम इव वट बीजम, वट बीज को बोया जाए, पात्र गतम उसी प्रकार पात्र में इन्वेस्ट करना कोई चीज, दानम अल्पम अपि काले, थोड़े काल में ही उसको विथ इंटरेस्ट, कंपाउंड वम्पाउंड की कहां से बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, तो अल्प काल में ये सब मिलेगा। फलति छाया विभवम, फलेगा ये अनंत छाया के रूप में फलेगा, जिसका बहुफल मिष्टम शरीर भृताम, ये बहुत मीठे मीठे फल फलों को देगा संसारियों को। इसीलिए हमको दान आदि में प्रवृत्ति करना चाहिए। मैं काफी बताता हूँ इस बात को, एक धर्म शर्म व्योदय नाम का एक हमारा ग्रंथ है, धर्मनाथ भगवान का चरित्र है ये, उसमें धर्मनाथ भगवान के पिताजी राजा है और राज्य करने की उनकी पद्धति बताई जा रही है। तो उस जमाने का उन्होंने वर्णन करते समय ऐसा किया है कि उसमें इतनी खुशियां थी, उसमें इतनी सब तरफ से समृद्धि थी, वहां पर तो साहब मांगने वाला तो कोई था ही नहीं, वहां पर सबसे हीन दो अक्षर माने जाते थे, दे दो। अरे क्या कहा, देहि दुरक्षरम द्वयम्, यदि दो दुरक्षर है पूरी डिक्शनरी में खराब तो दे दो। तो इसलिए कोई किसी से मांगता नहीं था, लेकिन हालत यह थी तब दातार इतने इच्छुक थे देने के लिए, वहां का वर्णन है कि दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते थे, मिनटों नहीं घंटों, आधा आधा दिन रोज बाहर ही खड़े रहते थे और आने जाने वाले की शक्लें ताकते रहते थे। उनको ये लगता था मांगेगा तो वैसे ही कोई नहीं मांगे और फिर हम दे क्या है, वाके पहले वो मरे जाके मुख से निकसत नाय, रहिमन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए, वाके पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत नाय, वे लोग मर गए जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, और उनके पहले वे मरे जो ये कोई मांग रहा है तो उनको देते नहीं है। कर्ण का आपको आदर्श लेना चाहिए, मरने की कीमत पर भी उन्होंने पिताजी को कहा था, आप मेरे पिता हो, आप मुझे ये विद्या दे रहे हो कि नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, जो मांगेगी मैं दे दूंगा, और मरण जानकर भी वो कवच दे दिया था। तो यहाँ पर फिर से ये बताया जा रहा है, वहां पर यह अनुभव करते थे, और यदि बाय चांस वहां पर पूछते थे, थोड़ी भी ऐसी शिकन लगी किसी के चेहरे पर, साहब हमें ये देना है प्लीज, और वहां पर सामने वाला मना कर देता था। और यदि बाय चांस साल भर में किसी ने ठीक है बोल दिया तो उनको ये लगता था, मतलब ये गर्जी था आज तक का, और आज तक वो कैसे उपेक्षित रहा, कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमको सातवीं पृथ्वी की आयु कोई बंदी होगी,
क्योंकि हमारे नगर में ऐसा रहता हुआ हमारा ध्यान नहीं गया। इतनी दान की उच्चता जगह जगह बताई गई है, क्योंकि आपसी भाईचारे से ही सब काम होता है। और ध्यान रखना चाहिए, धर्म में प्रवृत्ति कराना बहुत जरूरी है सामने वाले का। जस्ट गिविंग इज नॉट इनफ, उनको हमारे साथ लेना और प्रॉपर लक्ष्य प्रॉपर पर्पस के लिए साथ में रखना जरूरी है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ईसाइयों का जो इतने फल फूल गए हैं उसके पीछे और कोई रहस्य नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पर निरपेक्ष भाव से कोई मरीज है, आते उनकी सेवा करने लग जाते हैं। हमको लगता है ये नौकरी है यहाँ का आदमी, जैसे ये नर्सेस वगैरह होती है परिचारिकाएं वगैरह, वैसे ये होते हैं सब। ये वैसे ही व्हाइट ड्रेस में आते हैं, सब करने लग जाते हैं और इतना प्लीज इतने प्रेम से बात करते हैं और जाते समय बहुत सारे फल भी रख कर जाते हैं। और 10-12 दिन ऐसे होने पर 11वें दिन आकर एक छोटी सी बाइबल दे देते हैं, विच ही कांट डिनाय, और इस बहाने उनका धर्म फल फूल रहा है। देखो ना, उनकी मिशनरीज एवरीथिंग फ्री, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, आपको धर्म करना है। धर्म कराने का एक अद्भुत उदाहरण हम समझ सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और आज के तारीख में भी ऐसा करते हैं, हजारों कर्मचारी है, ठीक है, 10 लक्षण चालू हो रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने, 10 दिन 10 लक्षण चलेंगे, सभी कल कारखाने मेरे बंद रहेंगे, नौकर चाकर सब स्वाध्याय में आएंगे, पूजा पाठ सब में सम्मिलित होंगे, सब कुछ करेंगे, पे चालू रहेगा, तो तब तो बहुत दमदार बात है। तो धर्म करो कहने में क्या, मतलब हम रियल सेंस में हमको इम्प्रेस करते बनना चाहिए, मतलब ये हमें समझना चाहिए। ये 3 श्लोकों के द्वारा दान के महिमा का वर्णन किया है। टीका में भोग भूमि के स्थिति का वर्णन आया है, भोग भूमि मिलेगी तो वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर भी बताया जा रहा है। वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसी बात है, वो सब अलग अलग पेड़ लगे रहते हैं, वो कोई किसान ने लगाए वाले नहीं है, ये सब पृथ्वी का एक है। वहाँ पर जाकर बस आप इच्छा करना चाहिए, वहाँ पर वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, ओम नमः।